नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सर आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। और हम NTPC के बैच में पढ़ रहे थे साइंस, तो उसमें हम आज जो टॉपिक है वो हमारा वो हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। तो आज की हमारी हेडिंग रहेगी पाचन तंत्र। हम पढ़ेंगे पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है, ठीक है, और इससे किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट पाचन क्रिया का जो आज ये लेक्चर रहेगा, ये कंप्लीट पाचन की क्रिया करेंगे हम इसमें। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और इसके आप नोट्स बनाएं अच्छे तरीके से और इसको तैयार करें। और इससे मैं इतना वादा करता हूँ कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हम सबसे पहले इस पाचन की क्रिया में ये देखें कि हम करते क्या हैं, कि पाचन में होता किस प्रकार से है। तो सबसे पहले एक क्रिया आती है जिसको हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण, ठीक है। सबसे पहले क्रिया आती है जिसको हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण, ठीक है। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है वो हम देख लें। अंतर्ग्रहण का मतलब है कि भोजन को हम लेकर के मुख गुहा तक लेके आए। भोजन कहाँ तक लेके आना, मुख गुहा तक लेके आना, ये क्रिया कहलाती है अंतर्ग्रहण। और अंतर्ग्रहण करने के बाद हम शुरू करेंगे पाचन, ठीक है। मुख गुहा में जब भोजन आ जाता है तो उसके अंदर पाचन की क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। और पाचन की जब क्रिया होती है, ठीक है, तो ये पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होकर के छोटी आंत के इलियम भाग तक होगी, ठीक है। जब ये पाचन की क्रिया हो जाएगी तो इसका होगा अवशोषण, ठीक है। तब इसका क्या होगा भाई, अवशोषण, ठीक है। वो अवशोषण की क्रिया भी कौन से भाग में होगी, इलियम भाग में। और अवशोषण के बाद इसका होगा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण क्या होता है कि जब भोजन पच जाएगा तो जो पचित भोजन रहेगा वो कोशिकाओं के द्वारा उपयोग में लिया जाएगा, वो क्रिया कहलाएगी क्या, स्वांगीकरण, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हमने ये देखा कि सबसे पहले होगा अंतर्ग्रहण, भोजन को मुख गुहा तक लाया जाएगा, फिर मुख गुहा से लेकर छोटी आंत के इलियम भाग तक पाचन की क्रिया होगी, फिर उसका अवशोषण होगा और फिर सबसे लास्ट में क्या होगा, स्वांगीकरण। तो कई बार हमसे ये सिंपल सा स्टेप हमसे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। तो इनको हम सीरियल से एक बार लिख लें, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एक एक चीज़ को। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि जो पाचन है वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग है हमारी डाइजेशन, कि पाचन क्या होता है, ठीक। अब जो पाचन है, इस पाचन की क्रिया में हम यहाँ देखते हैं कि जितने भी जटिल खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, जटिल खाद्य पदार्थ, जटिल खाद्य पदार्थ जो हैं वो किस में बदल जाए, सरल खाद्य पदार्थ में, सरल खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो जो जटिल खाद्य पदार्थ है उनका सरल खाद्य पदार्थों में बदलना, ठीक है, पाचन या डाइजेशन कहलाता है। तो जो जटिल खाद्य पदार्थ है वो किस में कन्वर्ट होंगे, सरल में। और ये जो प्रोसेस है पाचन की क्रिया वो मुख गुहा से लेकर छोटी आंत के इलियम भाग तक होगी। देखिए हम इसमें होता क्या है, तो इसमें जटिल खाद्य पदार्थों में हम नंबर एक पे लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो बदल जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। पाचन की क्रिया के बाद वो किस में बदलेगा, ग्लूकोज में। सेकंड चीज़ हम यहाँ लें तो वो लेंगे वसा, और जो वसा है वो पचने के बाद बदल जाएगी वसीय अम्ल, वसीय अम्ल व ग्लिसरोल में, वसीय अम्ल व ग्लिसरोल में। और जो तीसरी चीज़ है हमारे पास वो है वसा, सॉरी प्रोटीन, वो क्या है हमारे पास, प्रोटीन। और प्रोटीन पचने के बाद बदल जाएगी अमीनो अम्ल में, ठीक है। तो ये होगा जर्नल सा हमारे पास पाचन। हम कुल मिलाकर के ये क्रिया करने वाले हैं। और भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे हम मान लें इसमें चौथा न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो बाद में पाचन की क्रिया के बाद, ठीक है, वो लास्ट एंड फाइनल बदलेगा किसमें, शर्करा प्लस
एन क्षार या नाइट्रोजन क्षार प्लस फोस्फेट। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल हमने जो पढ़ा था डीएनए और आरएनए का चैप्टर, वो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वो, तो उसको आप देख सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो डीएनए या आरएनए होते हैं जो शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट समूह से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। और इनको यदि हम तोड़ें, पाचन करें, ठीक है, यदि न्यूक्लिक अम्लों का हम पाचन करें तो हमें ये चीज़ें हमें प्राप्त होने वाली है, ठीक। तो ये हम जटिल खाद्य पदार्थों को कैसे बदलेंगे, सरल खाद्य पदार्थों में बदलेंगे। अब यदि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कि तुरंत हमें ऊर्जा की प्राप्ति करनी है तो हम इनमें से किसका सेवन करें, तो किसका सेवन करेंगे, ग्लूकोज का। या हमसे क्वेश्चन रिपीट करके पूछ लिया जा सकता है कि बताइए प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमीनो अम्ल। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, वसा जो है वो बहुलक है, और जो किसका बहुलक है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का, ठीक है। इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट किसका बहुलक है भाई हमारे पास, तो ग्लूकोज का। तो ये वृद्धाणु हैं, ठीक है। ऐसे न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं, तो ये सब मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिलकर के बनाएंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं, तो ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक, ठीक। अब इसमें हम पाचन की क्रिया किस किस प्रकार से करते हैं, कैसे करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब एक बात हम ये देख लें कि जो हम भोजन खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ होती है, भोजन के घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम पहले ये देख रहे हैं कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो भोजन के घटक में सबसे पहले नंबर पर तो कार्बोहाइड्रेट ही है, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है भाई, वसा। तीसरे नंबर पे कौन है भाई, प्रोटीन। इसके बाद चौथे नंबर का मेन जो भोजन का घटक है वो है हमारे पास विटामिन, ठीक है। पांचवा हमारे पास जो है वो होता है क्या, जल। छठा है हमारे पास खनिज लवण, खनिज लवण। और सातवां है हमारे पास रेशे, ठीक है, जिनको हम रुक्षान से बोलते हैं। तो ये सात घटक हैं किसके, भोजन के, ठीक। तो ध्यान रखें कि भोजन के जो घटक होते हैं वो कितने होते हैं, सात, ठीक। ये टोटल सात घटक हैं और ये उनको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं हम इस चैप्टर में। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें देखते हैं कि पाचन तंत्र जो है उसको कितने भागों में बांटा है और वो किस कौन कौन से भाग हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो हम यहाँ देखें कि जो हमारा पाचन तंत्र है, ठीक है, इसको हमने दो भागों में बांट लिया है। दो भाग कौन कौन से हैं, तो पहला होता है इसका आहार नाल, आहार नाल, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा जो होता है वो होता है सहायक पाचक ग्रंथियां, सहायक पाचक ग्रंथियां, ठीक है, ये होता है इसका दूसरा भाग। अब इसमें यदि हम आहार नाल में देखें तो आहार नाल एक पाइप लाइन जैसी नली है, ये मुख गुहा से स्टार्ट होगी आहार नाल, और ये जो नली नुमा संरचना है एनस तक की, ये पूरी की पूरी कहलाती है क्या, हमारी आहार नाल। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से भाग इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखो पहला इसमें सबसे पहले आएगा क्या, मुख गुहा। उसके बाद मुख गुहा का अंतिम भाग आता है ग्रेसिका, सॉरी ग्रेसनी। ग्रेसनी के बाद आएगा क्या, ग्रेसिका या ग्रासनाल, ठीक है। उसके बाद आता है क्या हमारे पास, आमाशय। आमाशय के बाद हम लेंगे यहाँ पे क्या, छोटी आंत। और लास्ट लेंगे हम क्या, बड़ी आंत। और बड़ी आंत का अंतिम भाग जो होता है वो होता है एनस या गुदा, ठीक। इसी प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं सहायक पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है। तो सहायक पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे लार ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पढ़ने वाले हैं जठर ग्रंथि,
जठर ग्रंथि के बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे यकृत, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अग्नाशय, छोटी आंत के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ब्रूनर ग्रंथि, और छोटी आंत के इलियम भाग में ही हम जो लिबर कोहन की दरारें हैं, ठीक है, उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिबर कोहन की दरारें, ठीक है, तो यहाँ इन सब चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे मैटर्स, सारे के सारे पॉइंट्स हम इस पूरे पाचन तंत्र में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किससे? मुख गुहा से। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए मुख गुहा या बुकल कैविटी, ठीक है, मुख गुहा या बुकल कैविटी। तो हमारे फर्स्ट आज के जो हेडिंग है आहार नाल की, वो है मुख गुहा। मुख गुहा, इसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले कि यह आहार नाल का सबसे आगे वाला भाग है। सबसे आगे वाला भाग है मतलब फर्स्ट पार्ट जो है आहार नाल का वो कौन सा है? मुख गुहा। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले, इसमें सबसे पहले भोजन आता है। तो सबसे पहले भोजन कहाँ आएगा? मुख गुहा में। ठीक है, और मुख गुहा तक भोजन लाने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण। हम उस पॉइंट को लिख सकते हैं कि मुख गुहा तक, मुख गुहा तक भोजन लाने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक है, तो ये हम पॉइंट्स लिख सकते हैं इसके अंदर कि कौन सी क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। यदि पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि अंतर्ग्रहण कौन सी कहलाती है, कि भोजन को हम कहाँ तक लेकर के आएँ? मुख गुहा तक लेके आएँ तो कहलाएगी क्या? अंतर्ग्रहण। इसके अलावा हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें, इसमें लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, इनको हम लाला ग्रंथि बोलते हैं, लाला ग्रंथि, लार ग्रंथियाँ कोमा जीव, टंग जिसको बोलते हैं, जीव व दांत पाए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी हमें? तो इसके अंदर हमें मिलेगी लार ग्रंथियाँ, ठीक है, जीव और दांत किसके अंदर पाए जाएंगे? मुख गुहा के अंदर। हम इसमें और एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि मुख गुहा में, मुख गुहा में भोजन, मुख गुहा में भोजन पाचन के पश्चात, मुख गुहा में भोजन पाचन के पश्चात बोलस कहलाता है। बोलस कहलाता है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे हम यहाँ पे स्टार लगा सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, कि ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है कि मुख गुहा में भोजन पाचन के पश्चात क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि जो मुख गुहा है इसके अंदर जो क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियाँ। ठीक है, लार ग्रंथियाँ वो कौन कौन सी है और किस किस प्रकार से पाई जाती हैं? तो यहाँ पर जो लार ग्रंथियाँ हैं
ये लार ग्रंथियां जो हैं वो तीन जोड़ी होती हैं, ठीक है, कितनी होती है, तीन जोड़ी, थ्री पेयर्स, ठीक है, तीन पेयर में होती है, मतलब कुल मिलाकर के ये छः होती हैं, ठीक है, तो कुल छः होती है, तीन जोड़ी में होती हैं, किस किस प्रकार से होती है, फर्स्ट हम देखें तो फर्स्ट होती है कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, इनकी संख्या दो होगी क्योंकि जोड़ी में है ये भी। इसमें जो सेकंड होती है वो होती है अधोजंघ, अधोजंघ, ठीक है, अधोजंघ का मतलब होता है, अधो का मतलब होता है नीचे, ठीक है, और जंघ का मतलब होता है क्या, जबड़ा, तो ये जबड़े के नीचे होती है, ठीक है, जबड़ा मतलब जौ, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला भाग होता है जबड़ा इसको बोलते हैं। इसी के बाद होती है अधोजिह्वा या अधोजिह्वा, ठीक है, अधोजिह्वा, ठीक है, अधोजिह्वा, अधोजिह्वा लार ग्रंथि, इनकी संख्या भी कितनी होती है, दो, कुल टोटल कितनी हो गई, छः, मतलब हम बोल सकते हैं इनको कितनी जोड़ी, तीन जोड़ी, ये हमेशा पेयर में होती हैं। किस प्रकार से होती है हम यहाँ देखें, तो ये हमारा है कान, ठीक है, और कान से जस्ट पहले यहाँ एक मिलेगी हमें लार ग्रंथि, ठीक है, और इसकी डक्ट यहाँ मिलेगी, ठीक है, ऊपर वाले जबड़े के पास से, ठीक है, और इस वाले को हम यहाँ पे कहेंगे कौन से, कारण पूर्व, ठीक है, कारण पूर्व, एक यहाँ मिलेगी, ठीक है, ये जो जबड़ा है इसके नीचे की साइड में, ठीक है, तो यहाँ जो मिलेगी वो मिलेगी अधो जंघ लार ग्रंथि, और यहाँ पे पाई जाती है जीभ, और जीभ के नीचे वाले भाग में यहाँ जो मिलेगी उसको हम कहेंगे अधो जंघ लार ग्रंथि, ठीक है, तो इस प्रकार से ये लार ग्रंथियाँ यहाँ हमें पाई जाती हैं, ठीक। तो ये थे हमारे पास क्या, लार ग्रंथियाँ जो किसमें पाई जाती हैं, मुख गुहा के अंदर। अब हम बात करें कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, इन लार ग्रंथियों से क्या स्रावित होती है, ठीक, तो इन लार ग्रंथियों से यदि हम बात करें तो इन लार ग्रंथियों से लार का स्राव होता है, ठीक है, लार या लाला रस, लार या लाला रस का स्राव होता है, ठीक है, इनसे किस चीज़ का स्राव होता है, तो सिंपल हम यहाँ बताएंगे लार या लाला रस का स्राव होता है, ठीक है। अभी लार या लाला रस में क्या चीज़ है, किस प्रकार से कार्य करती है, उसको देख लेते हैं। तो जो लार या लाला रस है इसके अंदर 99% तो होता है जल, मतलब वाटर, ठीक है, 99% क्या होता है, वाटर, और जो 1% है वो होते हैं एंजाइम, ठीक है, वो क्या होंगे इसके अंदर, एंजाइम होंगे, ठीक। अब लार के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं उसकी भी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ पर दो एंजाइम हैं, पहला है एमाइलेज, ठीक है, इसको लार एमाइलेज भी बोलते हैं, ठीक, लार एमाइलेज या एमाइलेज, इसी को हम बोलते हैं टाइलिन, ठीक है, टाइलिन एंजाइम, तो लार एमाइलेज एंजाइम कह लो चाहे टाइलिन एंजाइम कह लो, और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। तो ये दो प्रकार के एंजाइम यहाँ पाए जाते हैं, पहला जो एंजाइम है एमाइलेज या कौन सा टाइलिन एंजाइम, ये करता है भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो स्टार्च है स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा, ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम किसका है भाई, तो वो है किसका, लार एमाइलेज या टाइलिन का। और ये जो है लाइसोजाइम एंजाइम, इसके बारे में नोट कर लेना कि ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का काम किसका है, लाइसोजाइम एंजाइम का, और भोजन में जो स्टार्च है उसको माल्टोज में बदलने का काम किसका है, तो एमाइलेज या फिर हम क्या कहेंगे उसको, टाइलिन एंजाइम, ठीक। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे कार्य करेंगे।
अब देखें, अब हम इसमें देखेंगे दांत के बारे में, ठीक है, कि मुख गुहा में जो दांत होते हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखें दांतों को, तो दांत जो होते हैं वो सिंपली हम कहें तो ये कैल्शियम वे फॉस्फेट के बने होते हैं, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर के ये बनते हैं, ठीक है। दांत, इनमें यदि हम बात करें तो जो दांतों का अध्ययन कहलाता है उसको हम कहते हैं डेंटोलॉजी, ठीक है, हम लें डेंटोलॉजी, ठीक है। तो डेंटोलॉजी जो होता है ये होगा दांतों का अध्ययन, ठीक है। डेंटोलॉजी का मतलब होता है क्या, दांतों का अध्ययन, ठीक। और एक प्रकार के सेल्स जो होती है वो इनमें पाई जाती हैं दांतों के अंदर, तो उसको हम कहते हैं ओडेंटो ब्लास्ट, ठीक है। ये सेल्स हैं जो दांतों का निर्माण करती हैं, ठीक है, ठीके? तो दांत का निर्माण करने वाली कोशिका, दांत का निर्माण करने वाली सेल्स, ये कहलाती है क्या, ओडेंटोब्लास्ट। अब यदि हम बात करें कि जो दांत है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी, तो जो दांत होते हैं वो जनरल तौर पे इस प्रकार से मिलेंगे हमें, ठीक है, और इसमें इस प्रकार से हमें लेयर मिलने वाली है, ठीक। और हम यहाँ बना सकते हैं इसमें, और इसी में यहाँ पे इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कहलाता है दांत, ठीक है। तो दांत का ये वाला जो भाग है ये कहलाता है शीर्ष भाग, ठीक। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा ग्रीवा, और जो नीचे वाला भाग है ये कहलाएगा मूल, ठीक है। इसके अंदर यदि हम बात करें कि जो सबसे ऊपर है ये वाली परत, इसको कहते हैं हम इनेमल, इसके नीचे वाली जो परत होती है उसको हम कहते हैं डेंटाइन, और ये जो बचा हमारे पास, ठीक है, ये वाला हिस्सा रेड वाला, इसको कहते हैं हम डेंटल पल्प, ठीक है। और इसी में ये जो मैंने बनाया है यहाँ रेड वाली लाइन, ठीक है, ये होती है ओडेंटो ब्लास्ट कोशिका। अब इसमें यदि हम देखें तो ये जो हमने लाइनिंग बनाई है ये वाली, ठीक, और ये एक और, ये होती है तंत्रिका कोशिका, और ये होती है इसमें रक्तवाहिनी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेल्स बनेगी, ये जो दांत होगा वो बनेगा, और ये वाले को हम बोल सकते हैं इसकी क्या, रूट जो होती है मेन, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं इसकी क्या, रूट या मूल, जो जड़ भाग है वो वाला, ठीक। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है वो कहलाता है क्या, दांत, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, दांत की। अब यदि हम बात करें
कि हमारे पास जो दांत होते हैं ठीक है वो जनरली चार प्रकार के होते हैं। उनमें जो इंसाइजर है ठीक है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। ठीक है, अब इनमें जो प्रीमोलर और मोलर है इनके अंदर जो रूट होती है ठीक है, ये जो रूट है ये 2, 3 या 4 हो सकती है, लेकिन इन वालों में जो रूट हैं वह कितनी होती है, एक ही रूट पाई जाती है। ठीक है, तो इनको हम नोट कर सकते हैं कि ये जो दांत है उसके स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले जो इनेमल है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, इनेमल के बारे में लिख सकते हैं शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है, तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो इनेमल। ठीक है, इनेमल के नीचे क्या होता है, डेंटाइन। डेंटाइन के नीचे क्या होता है, डेंटल पल्प। और डेंटल पल्प के अंदर पाई जाती है क्या, स्टेम सेल्स। क्या पाई जाती है, स्टेम सेल्स। और उसके नीचे कौन सी सेल्स पाई जाती है, तो सॉरी इसमें ही ठीक है, डेंटल पल्प के अंदर ही क्या पाई जाती है, तो ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, तो ये सेल्स यहाँ इसके अंदर मिलेगी, तो ओडेंटोब्लास्ट सेल्स से हम नए दांत बना सकते हैं। ठीक है, तो दांत बनाने वाली कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, ओडेंटोब्लास्ट। ठीक, इसके अलावा हम और भी अंगों का निर्माण कर सकते हैं, तो वो जो स्टेम सेल्स है वो इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक, और यहीं नीचे इसमें पाई जाती है क्या, तंत्रिका कोशिकाएं, जिससे सेंसिटिविटी का हमें पता चलता है। कई बार हम गर्म खाते हैं ठंडा खाते हैं तो जो झंझनाहट होती है, तो उसकी जो सूचना है गर्म या ठंडे की सूचना, वो कौन लेके जाता है मस्तिष्क तक, वो लेके जाता है कौन, तंत्रिका कोशिकाएं। और किसी भी चीज़ के गर्म या ठंडे लगने की जो क्रिया है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर, ठीक है, हमारे किसके अंदर, मस्तिष्क के कौन से भाग के अंदर जाकर के सूचना पहुंचती है, तो वो पहुंचती है थाइमस भाग में। कौन से में, थाइमस में। और थाइमस जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि भाई ये चीज़ गर्म है या ठंडी है, जो झंझनाहट होती है तो उसको कंट्रोल या नियंत्रण बिंदु कौन सा होता है, वो होता है थाइमस। क्लियर, तो इसको आप कॉपी करें, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, अब यदि हम बात करें कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य उसको हम कहते हैं द्विबार दंती। द्विबार दंती क्यों कहा जाता है इसको द्विबार दंती, तो इसके अंदर जो दांत होते हैं वो पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं। ठीक है, पहली बार फर्स्ट टाइम जो दांत आएंगे वो वाले दांत आते हैं अस्थाई दांत। फर्स्ट टाइम कौन से दांत आते हैं, अस्थाई दांत। ठीक है, टेम्परेरी टीथ, ठीक, अस्थाई दांत। और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 20। ठीक है, जो हम ये ध्यान रखना है कि अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 20। उसके बाद आते हैं हमारे स्थाई दांत, और जो स्थाई दांत होते हैं इनकी संख्या होती है कुल टोटल 32। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि मनुष्य जो होता है वो विषमदंती कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, विषमदंती। विषमदंती क्यों कहलाता है विषमदंती, क्योंकि इसमें मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांत जो हैं वो 1 से अधिक प्रकार के होते हैं, तो ये दांत जो हैं कुल मिलाकर के 4 प्रकार के होते हैं। यदि हम देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट को हम बोलें आई, सेकंड को सी, थर्ड को पीएम और फोर्थ को एम। ठीक है, तो ये किस प्रकार से होंगे वो हम डिस्कस करें यहाँ पे। फर्स्ट को हम नाम देते हैं इंसाइजर। फर्स्ट कौन से होते हैं, इंसाइजर। सेकंड होते हैं कैनाइन, कैनाइन दांत। थर्ड होते हैं कौन से, प्री मोलर। और फोर्थ होते हैं कौन से, मोलर। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के हमारे दांत पाए जाते हैं। अब जो इंसाइजर दांत होते हैं इनकी संख्या होती है 8, इनकी 4, इनकी 8 और इनकी होती है 12, कुल मिलाकर के होते हैं 32। ठीक है, तो ये टोटल कितने दांत हो गए, 32 दांत। तो ये 32 दांत हमारे जबड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा कर ले हम यहाँ। तो हमारे पास ये जबड़े होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, अब इन जबड़ों के अंदर ये जो दांत हैं वो किस प्रकार से मिलेंगे,
हम जबड़े के दो हिस्से कर देते हैं, इधर दो दांत मिलेंगे हम शुरू में, फिर एक लंबा दांत मिलेगा, फिर दो दांत मिलेंगे, फिर हमें यहाँ पे तीन दांत मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ऊपर दो दांत, फिर एक लंबा, फिर दो दांत, फिर उसके बाद तीन दांत मिलेंगे, ठीक। तो कुल मिला करके ये दांतों का क्या होता है, अरेंजमेंट, ठीक। अब इसमें जो फर्स्ट दो दांत हैं ये कहलाते हैं आई, ये जो एक दांत है वो कहलाता है सी, ये पीएम और ये एम, ठीक है, मतलब इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि आई से बना इंसाइजर, ये बना कैनाइन, ये बना प्रीमोलर और ये बन गया हमारे पास कौन सा, मोलर। तो मोलर जो है एक में कितने होते हैं, तीन, और यदि हम चार से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे तीन ऊपर तीन, तीन और तीन छः इधर और छः इधर, टोटल कितने हो गए, बारह। ये देखो दो है, दो को मल्टीप्लाई बस चार से करें तो कितने हो गए, आठ। एक को मल्टीप्लाई चार से करें तो कितने हो गए, चार। इंसाइजर दो हैं, चार से मल्टीप्लाई करें तो आठ। इस प्रकार से ये जो दांत है वो हमारे जबड़े में पाए जाते हैं। अब हम इनका देखते हैं दंत सूत्र, कि इनका दंत सूत्र किस प्रकार से होता है और इनको किस प्रकार से अरेंज किया गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं अस्थाई दांत का दंत सूत्र, ठीक है, अस्थाई दांत का दंत सूत्र। और अस्थाई दांत कितने होते थे भाई, 20, ठीक है। इन 20 अस्थाई दांतों को हम अरेंज करते हैं कि किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो मैं ये वाली लाइनिंग को यहाँ लिख लेता हूँ, आई सी पी एम एम बटे आई सी पी एम एम, ठीक है। ये एक साइड का हो गया मेरे पास, ऊपर का और नीचे का जबड़ा। अब इसी प्रकार से इधर है तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ दो से, ठीक है। अब जो छोटा बच्चा होता है उसे के अंदर ये प्रीमोलर बिल्कुल नहीं होते और मोलर सिर्फ आठ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देखें अरेंजमेंट कि किस प्रकार से है। तो इंसाइजर टीथ जो हैं वो दो पाए जाते हैं छोटे बच्चों में, उसके बाद जो कैनाइन है वो भी एक एक है, प्रीमोलर जीरो ये नहीं पाए जाते। जो मोलर टीथ है वो आठ होते हैं, आठ मतलब यहाँ बारह थे, एक एक दांत हम कम कर दें तो यहाँ बच गया तीन, तीन में से दो ऊपर और दो नीचे, ठीक है, इस प्रकार से। अब इनको हम काउंट करें, दो और एक तीन और दो पाँच, पाँच मल्टीप्लाई कर दें हम कितने से, दो से, तो कितने हो गए, दस ऊपर के जबड़े में और दस नीचे के जबड़े में, और कुल मिला करके कितने हो गए दांत, तो ये हो जाते हैं हमारे पास 20 दांत, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा, जो कौन सा है, स्थाई दांत, स्थाई दांत का दंत सूत्र, ठीक है। और स्थाई दांत के लिए भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 10 से 18 वर्ष के बच्चों में, ठीक है, तो 10 से 18 वर्ष के बच्चों में जिनमें अक्कल जाड़ नहीं आई होगी, तो इनमें जो दांतों की संख्या होगी वो होगी कितनी, 28। अब इनमें किस प्रकार से ये दांत होते हैं, तो फॉर्मूला वही है हमारे पास, लेकिन इसके अंदर प्रीमोलर दांत आ जाते हैं, अभी लास्ट मोलर दांत इनमें भी नहीं आया है, तो इनका हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 अपॉन 2 1 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 2 7 7 2 9 14 ऊपर और 14 नीचे, कुल मिला करके कितने दांत हो गए भाई, 28 दांत जो होते हैं वो इन बच्चों में पाए जाते हैं। अब मैं थर्ड बात करूं तो अब फिर से है कौन से वाले दांत, स्थाई दांत, लेकिन इस बार जो उम्र है वो 18 प्लस है, ठीक है। बच्चों की जो उम्र है वो क्या है भाई, 18 प्लस, ठीक है। 18 प्लस वाले बच्चे, इनके अंदर जो दांत होंगे वो कुल टोटल कितने मिलेंगे, 32 दांत, ठीक है। अब वो देखें हम किस प्रकार से हैं, तो इनमें ये वाले तो सारे कंप्लीट हैं, लास्ट मोलर भी आ जाएगा,
तो लास्ट मोलर एक एक यदि यहाँ बढ़ता है तो यहाँ तीन और यहाँ तीन हो जाएगा। यहाँ देखो 2, 1, 2, 3 21, 23 / 21, 23 ये कर लेना तुम लोग, गुणा कर दें 2 से 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 8 × 16 ऊपर और 16 नीचे, कुल मिला के 32 दांत होते हैं। ठीक है, तो दांतों का दंत सूत्र हम देखें तो अस्थायी दांतों में कितने होते हैं 20, और अस्थायी दांतों में मतलब बच्चों में, ठीक है, छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें हम लिख सकते हैं कि जो प्रीमोलर है, ठीक है, प्रीमोलर एवं लास्ट मोलर, ठीक है भाई, लास्ट मोलर, ठीक, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक, तो बच्चों के अंदर प्रीमोलर और लास्ट मोलर दांत नहीं होता, इस वजह से इनका जो दंत सूत्र बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, और कुल दांत जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, इनमें 20 दांत। ठीक, तो इस प्रकार से पाया जाता है इनका क्या, दंत सूत्र। उसके बाद जो इससे बड़े बच्चे हो गए 10 से 18 साल के, उनमें 28 दांत होते हैं, और 18 से बड़े वाले बच्चों में टोटल कितने हो जाते हैं, 32 दांत। तो इस प्रकार से ये पाया जाता है हमारा क्या, दंत सूत्र। देखिए, अब यदि हम आगे बात करें तो मुख गुहा का ये अंतिम भाग है और ये कहलाता है क्या, ग्रसनी। इस भाग के अंदर यहाँ पाया जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक पेशी संरचना है और ये जो एपिग्लोटिस है ये भोजन के कणों को, देखो इसके बाद यदि हम यहाँ स्ट्रक्चर बनाएं तो ये नाक है और नाक से यहाँ से होते हुए एक और नली आएगी, ठीक है, और इसको हम कहेंगे क्या, श्वास नली। ठीक है, और ये वाली जो हो गई वो हो गई हमारे पास कौन सी, ग्रास नली। ठीक है भाई, एक हो गई हमारे पास इधर ग्रास नली में कौन है, भोजन। भोजन कहाँ नहीं जाए, श्वसन नली में। ठीक है, तो श्वसन नली में न जाने के लिए कौन लगा होता है यहाँ पे, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस का सिंपल कार्य है कि भोजन के टुकड़ों को श्वसन नली में जाने से क्या करेगा, रोकेगा। ठीक, और जो ग्रासनाल है, इस ग्रासनाल को हम कहते हैं ग्रेसिका। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्या, ग्रेसिका। ठीक है, ग्रेसिका या ग्रासनाल। ठीक, ग्रासनाल जो है ये एक पाइप लाइन जैसी संरचना है और ये भोजन को सिर्फ कहाँ से, मुख गुहा से कहाँ तक लेके आती है, तो आमाशय तक। और ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है ये कौन सी स्ट्रक्चर है, आमाशय। ठीक, अब हम डिटेल करके पढ़ेंगे किसको, आमाशय को। देखो यहाँ हम इधर लिख रहे हैं टॉपिक आमाशय, और आमाशय को बोलते हैं हम स्टमक। ठीक है, आमाशय को हम क्या लिख सकते हैं भाई, स्टमक। ठीक, अब आमाशय के यदि हम पॉइंट्स नोट करें तो यह एक थैलेनुमा संरचना है। आमाशय जो है वो कैसी संरचना है भाई, थैलेनुमा संरचना है, वो तो हमें दिखी रही है, ये थैलेनुमा संरचना है। दूसरी यदि हम बात करें तो इसकी जो संरचना है वो दरांत के जैसी होती है। ठीक है, इसकी संरचना कैसे होती है भाई, दरांत। दरांत का मतलब क्या होता है भाई, दरांत का मतलब होता है सिकल। ठीक है, सिकल ऐसे लिख लो हिंदी में, सिकल। ठीक है, इसकी संरचना दरांत के समान होती है। ठीक है, तो ये थैले की तरह से है और दरांत जैसी इसकी क्या है, संरचना है। ठीक है, अब यदि हम इसमें देखें कि जो आमाशय है वो क्या काम करता है और इसमें भोजन जो है वो कितनी देर तक स्टोर रहता है, तो इसमें भोजन 3 से 4 घंटे तक स्टोर रहता है। ठीक है, अब आमाशय के स्ट्रक्चर को हम देखें तो किस प्रकार से है, ये देखो
यहाँ पे इस प्रकार से ये अमाशय है हमारे पास, ठीक है भाई। ये था हमारे पास अमाशय। अब इस अमाशय में यदि हम देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर होता है हमारे हार्ट, और हार्ट के पास का ये पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है, मैं यदि यहाँ देखूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हार्ट के पास है, तो इसको हम कहेंगे कॉर्डिक भाग। क्या कहेंगे भाई? कॉर्डिक भाग। इस वाले भाग को हम कहते हैं फंडस भाग, फंडस भाग। और ये जो लास्ट पार्ट दिख रहा है हमको, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक भाग। कौन सा भाग है ये? तो ये कहलाएगा कौन सा? पाइलोरिक भाग, ठीक। अब यहाँ पे एक वाल लगा मिलेगा हमें, ठीक है, जो कौन से भाग में लगा हुआ है? कॉर्डिक भाग में। और इस वाले वाल को हम कहेंगे कॉर्डिक वाल या कॉर्डियल वाल, ठीक है, कॉर्डिक वाल। यहाँ इस वाले भाग में एक वाल मिलेगा, ठीक है, और इस वाले वाल को हम कहेंगे पाइलोरिक वाल, पाइलोरिक वाल, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो अमाशय है, इसके तीन भाग हैं। कितने भाग हैं अमाशय के? तीन भाग। ये होते हैं सामान्य जानवर में, ठीक है। यदि पूछ ले कि सामान्य जानवर में कितने अमाशय के पार्ट होते हैं, तो अमाशय के भाग होते हैं तीन। और ये भी ध्यान रहे कि जो मनुष्य है वो एनिमल में या जानवर में ही आता है, और ये चार पैर वाला जानवर है, ठीक है। पूछ ले मनुष्य कितने पैर वाले जानवर है, तो ये चार पैर वाला। और दूसरे जो जानवर होते हैं वो होते हैं रूमेंट जानवर, ठीक है, रूमेंट जानवर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रूमेंट जानवर कौन से होते हैं, तो ध्यान रहे जुगाली करने वाले जानवर, ठीक है, जुगाली, ठीक है। तो जुगाली करने वाले देखा होगा बहुत सारे जानवर को, जैसे गाय को, भैंस को, तो ये खाना खाने के बाद फिर बैठ कर के उसकी जुगाली करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो जुगाली करने वाले जानवर हैं उनको बोलते हैं रूमेंट जानवर। और इनका जो अमाशय होता है वो चार पार्ट में बटा रहता है, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है कि रूमेंट जानवरों को अमाशय कितने भागों में बटा रहता है, तो चार भागों में। तो यहाँ कार्डिक भाग के पास में एक और पार्ट होता है उसमें, जिससे कि भोजन वापस जाता है, ठीक है, और वापस जाने के बाद वो चबाने के बाद फिर वापस इस भाग में भेजते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा क्या पाया जाता है? अमाशय। और अमाशय के कुल टोटल भाग कितने होते हैं? तो हमारे, हम किस में आते हैं? सामान्य जानवर में। तो हमारा जो अमाशय है वो कितने भागों में बटा गया है? तीन भागों में। पहला कौन सा है? कॉर्डिक भाग, फिर है फंडस भाग, फिर है पाइलोरिक भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या पाया जाता है? अमाशय पाया जाता है। अब यदि हम यहाँ देखें कि इस अमाशय के अंदर कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ग्रंथियाँ मिलेगी, ठीक है, अभी हम देखें तो हमने अभी देखा कि ये हमारा अमाशय है, ठीक है। अब इस अमाशय के अंदर इस प्रकार से परतें पाई जाती हैं, ठीक है, अमाशय में सबसे बाहर वाली साइड में यहाँ पाई जाती है सीरोसा, फिर पाई जाती है पेशीय स्तर, फिर पाई जाती है सब म्यूकोसा, ठीक है भाई, और लास्ट में पाई जाती है म्यूकोसा या पेशीय म्यूकोसा। ये इसको सब म्यूकोसा, सॉरी ओनली म्यूकोसा बोलते हैं, ठीक है, म्यूकोसा। और जो म्यूकोसा पार्ट है या पेशीय म्यूकोसा पार्ट है, इस वाले पार्ट में पाई जाती है जठर ग्रंथियां, ठीक है। अब ये जठर ग्रंथियां क्या है, किस प्रकार से काम करती हैं? तो इन जठर ग्रंथियों को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड,
ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथियां, और इनसे एक रस स्रावित होता है जिनको हम बोलते हैं जठर रस, ठीक है, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस जिसको हम बोलते हैं। तो जठर रस में क्या क्या चीज़ होती हैं, किस प्रकार का होता है, तो हम यहाँ बात करें तो जठर रस जो होता है वो एक प्रकार का गाढ़ा, ठीक है, जठर रस जो होता है वो गाढ़ा, ठीक, गाढ़ा तरल होता है, जठर रस एक गाढ़ा तरल होता है, ठीक है। और इसका यदि हम बात करें तो ये प्रबल अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय, ठीक है, कैसा होता है भाई, प्रबल अम्लीय, ठीक है। अब इसका यदि हम पीएच की बात करें कि इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, तो इसकी पीएच वैल्यू 1.2 पीएच से 2 पीएच तक होती है। भाई जो हमारे पास क्या है जठर रस, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 1.2 पीएच से 2 पीएच, और बेस्ट वर्क कब करता है, तो ये करता है 1.2 पीएच में, ठीक है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जठर रस जो होता है वो कहाँ से आता है, आमाशय की जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है, ठीक है। अब इसके अंदर यदि हम बात करें तो जो जठर ग्रंथियाँ हैं इसको न लेकर के हम इसको ले लेते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथियाँ। तो जठर ग्रंथियों में बहुत सारी सेल्स होती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेल्स हैं उनके अंदर यदि हम बात करें, ठीक है, तो पहली होती है जाइमोजन सेल, जाइमोजन सेल, जाइमोजन कोशिका, इन्हीं को बोलते हैं हम सेफ सेल, सेफ सेल, ठीक। तो जाइमोजन सेल या सेफ सेल जो होती है वो एक पेप्सिनोजन एंजाइम, पेप्सिनोजन एंजाइम, और एक होता है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन एंजाइम, ठीक, इनका स्राव करती हैं। इसके अलावा एक होती है इसमें ऑक्सेंट्रिक सेल, ऑक्सेंट्रिक सेल्स, ठीक है, ऑक्सेंट्रिक सेल्स, ये HCl का स्राव करती हैं। ये किसका स्राव करती हैं, HCl का स्राव, ठीक है। और भी होती हैं इसके अंदर जैसे म्यूकस सेल, ठीक है, म्यूकस सेल, ये श्लेष्मा का स्राव करती है, ठीक है, श्लेष्मा, श्लेष्मा का स्राव किससे होता है, तो म्यूकस सेल से होता है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन सी सेल्स जो हैं वो जठर ग्रंथियों के अंदर पाई जाती हैं, किस किस का स्राव वो करती हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि जो जठर ग्रंथियां हैं या जठर रस जो है, हम यहाँ बात कर रहे थे, अभी डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, जठर रस के बारे में, तो हम यहाँ देख लेते हैं जठर रस के घटक कौन कौन से हैं, जठर रस के घटक, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो यदि हम फर्स्ट बात करें तो इसके अंदर मिलता है HCl, और वो भी लिक्विड फेज में, तो हम उसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है भाई। इसके अंदर जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है पेप्सिनोजन एंजाइम, इसमें जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है प्रोरेनिन एंजाइम, चौथी जो चीज़ होती है वो होती है इसमें गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम, पांचवी जो चीज़ होती है इसमें वो होती है म्यूसिलेज एंजाइम, छठी जो चीज़ होती है इसमें वो होता है म्यूकस, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो किस किस प्रकार से इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। म्यूकस का मतलब श्लेष्मा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंदर मिलेगी हमें, जठर रस के अंदर, ठीक। तो ये किसके घटक हैं, जठर रस के घटक हैं।
और ये अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये जो जठरस के घटक हैं वो किस किस प्रकार से कार्य करते हैं उनको यदि हम यहाँ देखें, तो हम सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले हम लेंगे HCl, ठीक है। इन सब में सबसे पहला कौन लेंगे? HCl। तो हम हेडिंग लगाएं यहाँ पे HCl के कार्य, HCl के कार्य कि HCl क्या है, किस प्रकार से ये कार्य करता है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट कार्य है वो हम यहाँ देखें, पहला कार्य है कि भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, ठीक है। जीवाणुओं को नष्ट करने का काम किसका है? वो है किसका? HCl का। अब यदि हम दूसरा कार्य देखें हम इसका, तो सेकंड कार्य इसका होता है कि भोजन को अम्लीय बनाना। तीसरा यदि हम इसमें कार्य देखें तो इसका थर्ड जो कार्य होगा वो हो जाएगा भोजन में उपस्थित टाइलिन को क्या कहा था हमने? लार एमाइलेज। एंजाइम को निष्क्रिय करना, ठीक है भाई, ये काम हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो जो ये है HCl, ये जो यहाँ पे हमें दिख रहा है कौन सा एंजाइम? पेप्सिनोजन एंजाइम, ये निष्क्रिय होता है, ठीक है। इस पेप्सिनोजन एंजाइम को क्या करेगा? ये सक्रिय पेप्सिन में बदलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदलना, ठीक है। तो ये काम किसका है भाई? ये काम हो जाएगा किसका? HCl का। अब यदि हम एक और डिस्कस करें आगे, तो यहाँ पे हम लेते हैं कि ये जो है प्रोरेनिन एंजाइम, ये भी कैसा है? निष्क्रिय, ठीक। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रोरेनिन, ठीक है, निष्क्रिय प्रोरेनिन एंजाइम को सक्रिय रेनिन एंजाइम में बदलना। ये कार्य किसका हो जाएगा? ये भी HCl का हो जाएगा। और इसका जो छठा कार्य है वो यदि हम देखें तो हम यहाँ ले सकते हैं कि वयस्क में दूध का पाचन करना, ठीक है। तो वयस्क में दूध का पाचन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है HCl के द्वारा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट कार्य वो किसके थे? HCl के। तो इनको हम नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर हमने प्रोरेनिन को कन्वर्ट कर लिया है पेप्सिनोजन को हमने कन्वर्ट कर लिया है किसमें? पेप्सिन में, ठीक। तो हम इसके नीचे ही नोट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो जो पेप्सिन होता है वो करता क्या है, तो वो क्या करेगा कि जो प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन, तो यहाँ पे लाइन लगा के लिख सकते हैं हम कि प्रोटीन को प्रोटियोजेज या पेप्टोन, ठीक है, या पेप्टोन,
में बदलने का काम किसका है? तो ये है पेप्सिनोजन एंजाइम या पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम, वो इसको बदलेगा। अब इसके अलावा हम दूसरा यदि देखें, दूसरा हमारे पास था जो बना था भी रेनिन एंजाइम, ठीक, ये क्या काम करेगा? तो ये क्या करता है कि जो दूध होता है, दूध, ठीक है, छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं तो दूध में एक प्रोटीन होता है, ठीक, हम उसको लिख सकते हैं दूध प्रोटीन, और उसका नाम है केसिन, ठीक है। तो दूध प्रोटीन कौन सा? केसिन। केसिन को किसे बदलेगा? तो ये बदलेगा कैल्शियम आयन्स की प्रेजेंस में, ठीक है, कौन बदलेगा? रेनिन। रेनिन बदलेगा किसमें? कैल्शियम पैरा केसिनेट में, कैल्शियम पैरा केसिनेट, इसके अंदर कन्वर्ट करेगा, और ये होता है दही का फॉर्म, ठीक है। कैल्शियम पैरा केसिनेट एक प्रकार से क्या हो जाएगा? दही। तो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? रेनिन किसकी प्रेजेंस में करेगा? कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये इसको चेंज करेगा। अब हम देखें तीसरा, थर्ड यहाँ पे दे रखा है कौन सा? गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम क्या काम करता है? तो इसको यदि हम डिस्कस करें, तो मैं ऊपर वाले को साफ कर रहा हूँ यहाँ से, यहाँ देखें, तो यहाँ हमारे पास है कौन सा? गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम क्या करेगा? तो ये क्या करता है? जो वसा होती है, वसा, ठीक है, वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरोल में बदलता है, ठीक है। तो वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरोल में बदलने का काम कौन करेगा? तो ये करेगा गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम, ठीक। इसके बाद हमने यहाँ देखा कि एक और है यहाँ पे, कौन है भाई? म्यूसिलेज एंजाइम। इसका क्या कार्य है? तो इसको हम नोट करें यहाँ पे कि म्यूसिलेज एंजाइम क्या करता है भाई? म्यूसिलेज एंजाइम तो ये करता है आमाशय की HCl से सुरक्षा, आमाशय की HCl से सुरक्षा, ठीक है, आमाशय की HCl से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो होती है म्यूसिलेज एंजाइम की, क्योंकि HCl जो है यहाँ पे वो देता है pH वैल्यू जठर रस को कितनी? 1.2 pH, और ये खतरनाक एसिड है, प्रबल अम्ल है, जो क्या कर सकता है भाई? ये आमाशय को नुकसान पहुंचा सकता है। तो नुकसान होने से बचाता कौन है? तो ये बचाता है म्यूसिलेज एंजाइम, ठीक है। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास बचा कौन? म्यूकस, ठीक है। तो म्यूकस क्या है? तो म्यूकस एक प्रकार से हम ले सकते हैं ये श्लेष्मा है, ठीक है। तो म्यूकस जो होता है वो काम क्या करता है? तो ये भोजन को चिकना बनाता है, चिकना बनाता है, ठीक है। तो भोजन को चिकना बनाने का कार्य किसका होता है? तो होता है म्यूकस का। तो इस प्रकार से जो हमारे पास जठर रस था उसके हमने सभी घटकों का एक एक करके हमने कार्य देखा कि HCl क्या काम करता है। उसके बाद हमने यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम बनाया, रेनिन एंजाइम बनाया, गैस्ट्रिक लाइपेज को देखा, उसके बाद हमने म्यूसिलेज को देखा और म्यूकस को देखा। तो ये सारे घटक जो हैं वो मिलकर के भोजन का क्या करते हैं? पाचन। अब यहाँ पर आमाशय के अंदर क्या होगा? भोजन का क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। अब पचित भोजन क्या कहलाएगा? यहाँ पे देखो, हमने अभी देखा था कि जो हमारे पास मुख गुहा में भोजन पचा था उसको हमने नाम दिया बोलस, ठीक है। मुख गुहा में भोजन पाचन के पश्चात कहलाता है बोलस। यहाँ पे क्या कहलाएगा? यहाँ हम देखें तो यहाँ पर आमाशय में, नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि आमाशय में भोजन पाचन के पश्चात बोलस कहलाता है, सॉरी काइम कहलाता है,
तो इसको हम क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। ठीक है, तो आमाशय जो है वो आमाशय के अंदर भोजन जो है वो पाचन के पश्चात क्या कहलाएगा भाई, काइम। और इसको हम लिखते हैं CHYME, काइम। ठीक है, तो क्या कहलाता है वो, काइम कहलाता है। कौन सी जगह पे, तो इस वाले जगह पे, आमाशय में। आमाशय में क्या कहलाया, काइम। ठीक, मुख गुहा में क्या कहलाया, तो यहाँ कहलाया बोलस। ठीक है, यहाँ पे बोलस और यहाँ पे क्या कहलाएगा, काइम कहलाएगा। अब यदि हम बात करें कि जो आमाशय है उसके अंदर एक समस्या आती है, वो है अति अम्लता। अति अम्लता, ठीक है, और इस अति अम्लता को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी या अति अम्लता। ठीक है, अब इसको यदि हम समझें तो ये क्या है और किस प्रकार से ये होती है। ठीक है, तो ये जो आमाशय है इसके अंदर यदि लगातार लंबे समय तक आमाशय में यदि अम्ल की मात्रा बनी रहे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, अति अम्लता, या फिर अम्ल जो है वो ज़्यादा अम्लीय हो जाए, या वो व्यक्ति स्पाइसी फूड खा लेता है। ठीक है, ज़्यादा मिर्च वाला, मिर्च मसाले वाला यदि भोजन खाता है तो उसको ये अति अम्लता हो जाती है। ठीक है, और इसमें एक्चुअल होता क्या है, जो हमारा आमाशय है उसका पीएच, मैंने बताया जठर रस उसमें पाया गया था, और उसका जो पीएच वैल्यू थी, ठीक है, वो थी 1.2 से 2 पीएच तक। ठीक है, 1.2 से 2 तक। ठीक, अब ये पीएच वैल्यू 1.2 से डाउन होकर के मान लो 0.5 तक आ जाए, ठीक है, तो अम्ल की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और अम्ल की मात्रा या अम्लता का मान बढ़ने से, ठीक है, उस व्यक्ति को क्या हो जाएगी, अति अम्लता। ठीक है, तो अम्लता का मान बढ़ जाएगा, मतलब पीएच वैल्यू डाउन हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, तो इस यहाँ से यहाँ तक हमें लेकर के आना है। ठीक है, जो पीएच वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक आइए। ठीक है, वापस यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए हमें उसको देना होगा दुर्बल क्षार। ठीक है, हम उसको क्या देने वाले हैं, दुर्बल क्षार। ठीक है, और जो दुर्बल क्षार हम देंगे वो कहलाएगा प्रति अम्ल। प्रति अम्ल क्यों, क्योंकि ये अम्ल के विपरीत काम करने वाला है। ठीक है, तो हम इसको इंग्लिश में यदि देखें तो हम इसको बोलते हैं एंट एसिड। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, एंट एसिड। ठीक, एंट एसिड या प्रति अम्ल, और ये होते हैं दुर्बल क्षार। इनमें यदि कौन कौन से दुर्बल क्षार हम ले सकते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे कि हम यहाँ ले सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, एक तो ये ले सकते हैं जिसका फॉर्मूला होगा NaHCO3। दूसरा हम यहाँ ले सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये हम यहाँ ले सकते हैं जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसी को हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा हम यहाँ ले सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फॉर्मूला होगा AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो इनको हम उपयोग में ले सकते हैं, ये सारे होते हैं दुर्बल क्षार, और इनको हम कहते हैं प्रति अम्ल या एंटी एसिड, जो किसको ख़त्म करते हैं, एसिडिटी को क्या करेंगे, ख़त्म करने का काम यहाँ पे करेंगे। ठीक, अब हम हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे क्या, यकृत को हम बोलते हैं लीवर। ठीक है, यकृत या लीवर। ठीक, और यकृत या लीवर के यदि हम अन्य नाम देखें तो हम इनको क्या क्या कह सकते हैं। ठीक है, अन्य नाम, इसी को कहते हैं हम जिगर। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम कलेजा। ठीक है, जिगर और कलेजा, किसको कहा जाता है, यकृत को ही कहा जाता है। ठीक है,
इसके अलावा यदि हम देखें यहाँ पे, तो हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो यकृत है, ठीक है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी बाह्य श्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी बाह्य श्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? शरीर की सबसे बड़ी बाह्य श्रावी ग्रंथि। दूसरी बात यदि हम नोट करें यहाँ पे, तो इसे सबसे बड़ा अंग माना गया है, ठीक है। सबसे बड़ा अंग किसे माना गया है? तो यकृत को, ठीक है। अब इसके अंदर यदि हम देखें कि यकृत जो है वो क्या क्या कार्य करता है, ठीक है, उसके सारे एक एक कार्य को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ फिर से एक सब हेडिंग लगा लें, यकृत के कार्य, कि यकृत के कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे फर्स्ट जो इसका कार्य होता है वो होता है, फर्स्ट कार्य इसका है पित्त रस का निर्माण, पितरस का निर्माण करना, ठीक है। ये इसका फर्स्ट कार्य है कि जो जो यकृत होता है वो पितरस का क्या करता है? निर्माण करता है। और पितरस क्या है, किस प्रकार से है, क्यों है, उसके डिस्कस हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम ये देख लें कि यकृत क्या क्या काम करता है। सेकंड जो इसका कार्य हम देखते हैं, तो यकृत का सेकंड कार्य है यूरिया का निर्माण करना, ठीक है, यूरिया का निर्माण करना, ठीक है। एक तो ये निर्माण करेगा किसका? पितरस का। दूसरा काम करेगा ये निर्माण करेगा किसका? यूरिया का। तीसरा इसका जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो हम देखें यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस व ग्लाइकोजेनेलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेलाइसिस। अब ये क्या होता है, ठीक है, ये हम देखें। तो ये जो ग्लाइकोजेनेसिस है, ठीक है, तो इसका मतलब है ग्लाइकोजन का निर्माण, ठीक है, ग्लाइकोजन का निर्माण। और ग्लाइकोजन का निर्माण कैसे होता है भाई? तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज से बनता है। किससे बनता है? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज को किसमें बदलना? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में बदलने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है क्या? ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन। कौन करेगा? इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, ये उसको करने का काम करेगा। दूसरा है ग्लाइकोजेनेलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है उसका अपघटन होना, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ग्लूकोज का निर्माण, ठीक है। और ग्लूकोज का जो निर्माण है वो किससे होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था भाई? ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था ग्लाइकोजन में, यहाँ उल्टा हो गया, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। और ये काम करता है ग्लूकागोन हार्मोन ये काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है ये चलती है। यहाँ पर हम एक बार देख लें कि जो यूरिया का निर्माण है वो होता है अमोनिया से, ठीक है। तो अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? यूरिया में, ठीक है। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कहाँ किया जाता है? तो यकृत में, ठीक है। इसी प्रकार से पितरस का भी क्या किया जाता है यहाँ पे? निर्माण, ठीक। अब यदि हम आगे देखें तो उसमें होता क्या क्या है,
तो फोर्थ यदि हम देखें तो यकृत के अंदर विटामिन का, विटामिन जो होते हैं उनका संग्रहण किया जाता है, ठीक है, विटामिन का संग्रहण। ठीक, अब कौन कौन सी विटामिन जो है वो यहाँ पे स्टोर की जाती है उसकी यदि हम बात कर लें तो ध्यान रहे विटामिन ए, डी और बी 12, ठीक है, ये विटामिन यहाँ स्टोर की जाती है, ठीक है, यकृत के अंदर। जनरल से एक क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि विटामिन जो यकृत होता है उसके अंदर कौन सा विटामिन स्टोर होता है, तो ऑप्शन के अंदर वहाँ पे ओनली विटामिन क्या दे रखा था, डी, मतलब ए और बी 12 वहाँ पे नहीं थे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि विटामिन जो कौन सा है, ए, डी और 12, ये स्टोर किए जाते हैं यकृत के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हम ले सकते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का निर्माण, ठीक है, प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण। अब यहाँ पे प्रोटीन जो है वो कौन कौन से का निर्माण होता है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं तीन प्रोटीन, एक जैसे हम यहाँ ले सकते हैं फाइब्रिनोजन, एक ले सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, और ये दोनों जो हैं, ठीक है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ठीक है, ये रक्त का थक्का बनाती हैं, रक्त का क्या बनाती हैं, थक्का, ठीक है, बनाने में सहायता करती हैं। और जो यहाँ पे तीसरी जो प्रोटीन है उसका नाम है हिपेरिन, ठीक है, हिपेरिन, इसको कहते हैं हम एंटी क्लोथिंग, ठीक है, या प्रति रक्त स्कंदन, स्कंदन प्रोटीन, स्कंदन प्रोटीन, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये है एंटी ब्लड क्लोथिंग एजेंट या प्रोटीन, ठीक, मतलब ये कि ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता, ठीक है, कौन सा वाला, हिपेरिन। तो हिपेरिन का भी निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन इनका भी निर्माण कहाँ पर होता है, तो इनका निर्माण भी कहाँ होगा, यकृत के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हमें ध्यान रखने हैं, जो किसके अंदर होते हैं, यकृत के अंदर होते हैं। अब हम मेन जो है वो बात करते हैं कि यहाँ पर जो बना कौन सा पित्त रस, वो क्या चीज़ है और किस प्रकार से कार्य करती है, जो पाचन की क्रिया में हमारे यहाँ काम आएगी, ठीक है। अब जो पित्तरस है वो क्या काम करता है, ठीक है, किस प्रकार का होता है, उसके कुछ पॉइंट्स हम यहाँ नोट कर रहे हैं। पित्तरस जो होता है वो एक प्रकार का क्षारीय द्रव है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रहे, ये क्षारीय क्या है, द्रव, लिक्विड के फॉर्म में होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। दूसरा हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि इसका रंग जो होता है वो पीला होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, पीला, ठीक। इसके बाद यदि हम इसमें बात करें तो इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर दो वर्णक जो होते हैं वो पाए जाते हैं, एक का नाम है ब्लू रूबिन, ठीक है, एक का नाम है ब्लू रूबिन, वे दूसरे का नाम है ब्लू आर्डिन, एक ब्लू रूबिन और एक कौन सा, ब्लू आर्डिन, ये दो जो हैं वर्णक इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब यदि हम इसमें देखें तो इसके अंदर बहुत सारे और लवण भी पाए जाते हैं, ठीक है, और क्या पाया जाता है इसके अंदर, लवण, ठीक है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर पाई जाती हैं, पित्तरस के अंदर पाई जाती हैं। अब यदि हम यहाँ देखें कि जो ब्लू रूबिन और ब्लू वार्डिन है ये वर्णक है, पिगमेंट है, ठीक, और ये कलर प्रदान करते हैं किसको, पित्तरस को। ब्लू रूबिन का रंग जो होता है वो ध्यान रहे ये होता है पीला, ठीक है, और ब्लू वार्डिन का जो रंग होता है वो होता है कैसा, हरा, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट हमें नोट करके रखना है कि ब्लू रूबिन का रंग पीला होता है और ब्लू वार्डिन का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि पित्तरस का कार्य क्या है, ठीक है, पित्तरस का कार्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो पित्तरस क्या काम करता है, तो इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम है कि जो भोजन में उपस्थित है क्या, वसा, वसा का ये करता है पायसीकरण, वसा का
पायसीकरण, ठीक है। और पायसीकरण को ही हम कहते हैं इमल्सीकरण, ठीक है। पायसीकरण या क्या कहेंगे हम उसको, इमल्सीकरण। मतलब क्या हुआ पायसीकरण या इमल्सीकरण का, तो हम यहाँ सिंपल सा ले सकते हैं कि ये वसा को जल में घोलता है, ठीक है। वसा को किस में घोलेगा, जल में, ठीक है। वसा को जल में घोलता है, ठीक है, घोलता है। और ये जो क्रिया कहलाती है, ये कहलाती है इमल्सीकरण या पायसीकरण, ठीक। तो जो बनेगा वो इमल्सन या पायस कहलाएगा। ये कार्य होता है किसका, पित्त रस का। हम सबसे इम्पोर्टेंट बात और नोट कर सकते हैं कि पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, नहीं होता है किसके अंदर, तो पित्तरस में, ठीक है। तो इसके अंदर कोई किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। दूसरी चीज़ कि ये जो पित्तरस है वो एक डक्ट के द्वारा यहाँ से पित्ताशय से यहाँ आता है छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, ठीक। तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पित्तरस है वो कार्य कहाँ पे करता है, तो वो करता है छोटी आंत के ग्रहणी भाग में। और ये थी जो ये तीन पार्ट दिख रहे हैं, ये थे क्या, छोटी आंत के पार्ट, ठीक है। और छोटी आंत के जो तीन पार्ट हैं इसमें जो ड्यूडेनम होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ग्रहणी, ठीक। इसको बोलते हैं क्या, मध्यांत्र। और इसको बोलते हैं क्या, शेषांत्र, ठीक है, शेषांत्र, ठीक। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र, ये होते हैं छोटी आंत के भाग। और जो ग्रहणी भाग है ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से के अंदर आता है पित्तरस, और जो भोजन को क्या करेगा, क्षारीय बनाएगा, और दूसरा उसका क्या करेगा, पायसीकरण करेगा, ठीक। उसके बाद उसके अंदर आएगा कौन, अग्नाशय से अग्नाशिक रस, ठीक है। तो जो अग्नाशय ग्रंथि है उसके द्वारा आता है कौन सा, अग्नाशय के रस। अब हम बात करें अग्नाशयिक रस के बारे में, ठीक है, जो कौन से ग्रंथि से आता है, अग्नाशय ग्रंथि से, ठीक है। क्या है, किस प्रकार से है, और कैसे कैसे यहाँ पे ये कार्य करेगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अग्नाशय के रस, पहले चीज तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह अग्नाशय ग्रंथि, जिसको हम पैंक्रियाज ग्रंथि कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि के, ठीक है, बाह्य श्रावी भाग से, बाह्य श्रावी भाग से आता है, ठीक है। कौन से भाग से आता है, बाह्य श्रावी भाग से आता है, कौन सा रस, अग्नाशय के रस, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ देखें कि इसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं, पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं किसको, तो ये कहा जाता है किसको, अग्नाशय के रस को, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें कि जो अग्नाशयिक रस है, ठीक है, तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो अग्नाशयिक रस भी किस प्रकार का होता है, तो ये होता है क्षारीय प्रकृति का, ठीक है। तो इसके अंदर एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं, निम्न एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कौन सा है वो देखते हैं। फर्स्ट यदि हम बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन, जैसे को कहेंगे हम काइमो ट्रिप्सिन एंजाइम, काइमो ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम या काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। इसके अलावा इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम,
इसके अलावा यहाँ कौन सा मिलेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं थर्ड लाइपेज एंजाइम। इसके अलावा यहाँ पे कौन मिलेगा, तो यहाँ पर मिलता है न्यूक्लिएज एंजाइम, ठीक है, न्यूक्लिएज एंजाइम। तो ये चार एंजाइम किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अग्नाशिक रस में, ठीक। और ये क्या करेंगे, भोजन का क्या करेंगे, पाचन, कौन से वाले भाग में पाचन करेंगे, ठीक। हम यह लिख सकते हैं कि यह ग्रहणी भाग में पाचन करता है, यह ग्रहणी भाग में पाचन करता है। तो भोजन के जो ये आहार नाल के कौन से भाग में, ग्रहणी भाग में भोजन का क्या करेगा, पाचन करेगा, ठीक। अब यदि देखें आगे, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे छोटी आंत के ग्रहणी भाग की, ठीक है। तो छोटी आंत का ग्रहणी भाग, छोटी आंत का कौन सा भाग, ग्रहणी भाग, ठीक है। और छोटी आंत के ग्रहणी भाग में और आगे भी यदि बात करें, तो आगे जब जाएंगे तो इलियम भाग में, ठीक है, छोटी आंत के ग्रहणी भाग और इलियम भाग में, दोनों ही भाग के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है ब्रूनर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, ब्रूनर ग्रंथि, ठीक है। तो ये ग्रंथि का ध्यान रखना कि ये कहाँ पाई जाती है, तो छोटी आंत का ग्रहणी भाग व इलियम भाग, ठीक है, व इलियम, दोनों वाले भाग से हमें ये ग्रंथि मिलेगी हमें, ठीक है। इसके अलावा जब हम इलियम भाग की बात करेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि भोजन जो है वो छोटी आंत के ग्रहणी भाग से होता हुआ कहाँ पहुँच गया भाई, इलियम भाग में, जेजुनम से हुआ फिर कहाँ पहुँच गया, इलियम भाग में। तो यहाँ पर हम बात करें, हम देख लें पहले तो कि भाई जो छोटी आंत है, छोटी आंत, ठीक। अब इस छोटी आंत में तीन भाग हैं, ठीक है, ठीके? पहला कौन सा है, तो छोटा था, सबसे छोटा भाग कौन सा है, ग्रहणी भाग, ठीक है, ये सबसे छोटा है। उसके बाद इससे बड़ा जो भाग होता है वो होता है मध्यांत्र, मध्यांत्र मतलब ये कौन सा था, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ये कौन सा है, जेजुनम, और इसके बाद कौन सा आएगा, शेषांत्र मतलब इलियम, शेषांत्र, ठीक है। तो जो शेषांत्र है उसको हम कहते हैं क्या, इलियम। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, शेषांत्र, और सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, ग्रहणी, ठीक। अब जब भोजन यहाँ आया इस भाग से, कौन से भाग में, इस भाग में, इससे होता हुआ इस भाग में, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस भाग में आएगा। जो ब्रूनर ग्रंथियाँ हैं इससे श्लेष्मा, ठीक है, श्लेष्मा का स्राव होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, किससे किसका स्राव होगा, तो यहाँ पे श्लेष्मा का स्राव। जब इलियम भाग में भोजन पहुँचा तो इलियम भाग के अंदर, ठीक है, इसमें कुछ दरारें पाई जाती है इलियम भाग में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लीबर कोहन की दरारें, लीबर कोहन की दरारें, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो लीबर कोहन की दरारें हैं ये कौन से भाग में पाई जाती है, तो ये छोटी आंत के इलियम भाग में पाई जाती है। और लीबर कोहन की जो दरारें हैं उनसे स्रावित होता है आंत्र रस, कौन सा स्रावित होता है, आंत्र रस, ठीक है। और आंत्र रस के अंदर यदि श्लेष्मा मिल जाए, आंत्र रस के अंदर क्या मिल जाए, श्लेष्मा, तो इस आंत्र रस को हम कहते हैं सेकस एंटेरेकस, एंटेरेकस, ठीक है, सकस एंटेरेकस, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि सकस एंटेरेकस क्या होता है, तो ये होता है कौन सा,
आंत्रस, आंत्रस को कहेंगे हम क्या, सकस एंटेरिकस। और आंत्रस के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उनका यदि हम नाम लिखें, ठीक है, आंत्रस के एंजाइम, तो यहाँ पर पहला मिलेगा इरेप्सिन, इरेप्सिन, दूसरा मिलेगा माल्टेज, माल्टेज, तीसरा मिलेगा सुक्रेज, चौथा यहाँ मिलेगा हमको लैक्टेज, और पांचवा हमें वही वापसी मिलेगा लाइपेज। ठीक है, कुल मिला के ये पांच एंजाइम जो है वो कहाँ मिलने वाले हैं हमें, आंत्ररस में। ठीक, और आंत्ररस के अंदर भोजन का कंप्लीट क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। ठीक, आंत्ररस भोजन का कंप्लीट पाचन कर देगा। इलियम भाग जो है, जो कौन सा भाग है, शेषाद्र, ठीक है, इसको हम क्षुद्रांत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, क्षुद्रांत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमको कि इसको हम क्षुद्रांत बोलते हैं। वैसे छोटी आंत के तीन भाग है, उसमें क्षुद्रांत कौन सी है, तो इलियम भाग को कहते हैं, और इसमें कंप्लीट भोजन का क्या हो जाता है, पाचन। अब इस वाले भाग में इस प्रकार से कुछ, ठीक है, ये उठी हुई संरचनाएं मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं दीर्घरोम। ठीक है, दीर्घ रोम, ठीक है, वैसे इनको हम बोलते हैं विली, दीर्घ रोम या विली। ठीक है, इनको पक्षमाप भी कहते हैं, पक्षमाप। ये रिटम पूछा गया था कि आहारनाल के कौन से भाग में पक्षमाप पाए जाते हैं, मतलब दीर्घ रोम पाए जाते हैं, तो ये कौन से भाग में पाए जाते हैं, इलियम भाग में पाए जाते हैं। और ये जो बीच की जगह बच गई, ठीक है, इसको कहा जाता है लिवर कुहन की दरारें। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, लिवर कुहन की दरार, लिवर कुहन की दरार। ठीक है, तो ये हमें यहाँ मिलेगी, ये दरार कर लेना इसको, लिवर कोन की दरारें। ठीक है, तो ये मिलेगी। अब ये जो बच गई दीर्घ रोम या वेली, इसके अंदर क्या होगा भाई, भोजन का अवशोषण, तो ये करेगा पचित भोजन का अवशोषण। ठीक है, यहाँ पर इनके द्वारा होता है पचित भोजन का अवशोषण, अवशोषण ये करने का काम किसका होता है, तो दीर्घ रोम का। और ये पचित भोजन का अवशोषण करके यहाँ से गुजरती है रक्तवाहिनी। ठीक है, रक्तवाहिनी उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो रक्तवाहिनी के अंदर मिक्स कर देंगे किसको, ब्लड को। ठीक है, लीवर कोन के दरारें अलग हैं और रक्तवाहिनी अलग है। ठीक है, तो ये इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ठीक है, भोजन इसमें मिक्स हो जाएगा रक्तवाहिनी में, और रक्त के अंदर मिक्स हो करके वो एक स्थान से कहाँ चला जाएगा, दूसरे स्थान पे। ठीक, तो ये जो क्रिया थी इसको अवशोषित करके इधर लेके आना, पचित भोजन का अवशोषण, तो ये अवशोषण की क्रिया हो गई। हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने लिया था कि हम अंतर्ग्रहण लेते हैं, पहले भोजन को लेके मुख गुहा तक लाते हैं, फिर पाचन करते हैं। पाचन की क्रिया जो है वो कहाँ तक होती है, छोटी आंत के इलियम भाग में, और इलियम भाग में तक होती है, और इलियम भाग में भोजन का क्या हो जाता है, अवशोषण, और अवशोषण के बाद उसका होता है स्वांगीकरण। ठीक, तो भोजन का अब क्या होने वाला है, स्वांगीकरण। ठीक, स्वांगीकरण, और जब भोजन का क्या होगा, स्वांगीकरण, और तो स्वांगीकरण की जो क्रिया होगी उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन, तो जो स्वांगीकरण होता है वो होता है पचित भोजन का कोशिकाओं द्वारा उपयोग में लेने की क्रिया। ठीक, तो पचित भोजन कोशिकाएं क्या करेगी, काम में लेगी, और उसको ऊर्जा में क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। ठीक, तो ये कहलाती है क्या, स्वांगीकरण। इसके बाद जो अपचित भोजन था वो कहाँ आएगा, छोटी आंत के सीकम भाग में, और इसके अंदर पहले सेलुलोज का पाचन हुआ करता था, आजकल ये पाचन होना बंद हो गया है। तो सीकम से फिर कोलन में जाएगा, पहले आरोही आएगा, फिर यहाँ पर अनुप्रस्थ आएगा, फिर अवरोही आएगा, फिर सिग्माकार, फिर रेक्टम मतलब मलाशय, फिर गुदा द्वारा शरीर से बाहर। तो जो बड़ी आंत है, ठीक है, इसके अंदर जल का क्या होगा, अवशोषण होगा,
और जल का अवशोषण होने के बाद भोजन अपचित भोजन जो था वो अर्धठोस अवस्था में आता है और शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस थी वो थी किसकी, पाचन क्रिया की। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।